दोबारा बचाने के बाद पता नहीं आप लोग जलसा किस तरह से सुनेंगे, लेकिन आप लोग अदब से सुन रहे हैं, कुरान की बरकत है, उलमाए किराम की करामत है, आप लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह सबको सलामत रखे। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है सीरत के हवाले से सुनना, वहां पर रहिए साथ। हम जो कलमा पढ़ते हैं उस कलमे का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके हवाले से नमूना दे रहा हूं, बहुत खूबसूरत मतलब की खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा, इसकी हिफाजत हुई पूरे जलसे का खुलासा। बाप मुसलमान नहीं है, बेटा मुसलमान हुआ, कौम मुसलमान नहीं है, एक जवान मुसलमान हो गया, बादशाह मुसलमान नहीं है लेकिन एक जवान मुसलमान हो गया, तीनों की तरफ से उस जवान को धमकी मिल रही है, बाप की तरफ से धमकी मिल रही है, कलिमा को छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो वरना घर से निकाल दिया, कौम की तरफ से धमकी मिली है कि तुम कलिमा छोड़ दो इस्लाम छोड़ दो वरना आग में डाल देंगे, बादशाह की तरफ से धमकी मिल रही है अगर कलमा नहीं छोड़ोगे मुल्क से निकाल दे। उस जवान का देखिए एक जुमले में जवाब है, अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमा। क्या कहा बाप से, आप मुझे घर से निकालेंगे, मैं घर से निकल जाऊंगा लेकिन कलमा छोड़ नहीं सकता। कौम से कहा कि आग में जल जाऊंगा, जान दे सकता हूँ ईमान दे नहीं सकता। बादशाह से कहा तुम्हारे मुल्क से निकल जाएंगे। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं जा रही है, बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ, आप जा रही है, आ रही है, हट रही है, आ रहे, बात हो गया, कामयाब हो गया भाई, हौसले के साथ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, जो जिस हाल में सुन उसी हाल में सुनने दीजिए, देखिए जो जिस हाल में सुन उसी हाल में सुनने दीजिए, जलसा आपका निकल जाएगा, टाइम की कमी है, ध्यान दीजिए, नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाप ने कहा कि कलमा छोड़ दो वरना घर से निकाल देंगे, कौम ने कहा कि कलमा छोड़ दो वरना आग में डाल देंगे, बादशाह ने कहा कि कलमा छोड़ दो वरना मुल्क से निकाल देंगे, जवान का एक ही जवाब है, घर से निकाल दो निकल जाएंगे, कलमा छोड़ नहीं सकते, आग में डाल दो जान दे देंगे लेकिन कलमा छोड़ नहीं सकते, बादशाह से कहा मुल्क से निकाल दो निकल जाएंगे, अल्लाह के सारा मुल्क है कहीं पहुंच जाएंगे लेकिन कलमा नहीं छोड़ दो। चचा ने हाथ जोड़ लिया, बेटा कलमा छोड़ दो, चचा ने हाथ जोड़ लिया, बेटा कलमा छोड़ दो, तो भतीजे का क्या जवाब है वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक हाथ में सूरज डाल दो, एक हाथ में चांद रख दो, मैं दोनों का बोझ उठा लूंगा लेकिन कलमे को छोड़ नहीं सकता, हर कच्चे पक्के मकान में कलमा पहुंचा करके रहूंगा, यह इसके खातिर चांद दे दूंगा। तीसरे नमूने को जब ध्यान में रखिए, बिलाल नीचे है, सीने पर पत्थर है, कहा जा रहा है सिर्फ जबान से कह दो मैंने इस्लाम छोड़ दिया, सीने से पत्थर हटा देंगे, कहा कि तुम जान के मालिक हो ईमान के मालिक नहीं। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिरौन है, बीवी से कहता है मुझे खुदा को, बीवी कहती है तू खुदा का बंदा है, खुदा नहीं है, जीते जी मैंने तुम्हें खुदा का बंदा कहा है, फांसी पर चढ़ जाऊंगी फिर भी खुदा का बंदा कहूंगी, खुदा नहीं कह सकते। भाई ने बहन को मारा है, लहू लहान कर दिया है, बहन का नाम फातिमा है, भाई का नाम उमर है, लहू लहान कर दिया है, बहन ने कहा कि ए उमर तू इस ख्याल में मत रह कि मार मार करके मुझे डराएगा और कलमा छोड़ा देगा, कलमा छूट नहीं सकता, जान छूट सकती है कलमा छूट नहीं सकता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। ईसाई आया क्या कहता है कि आपके नबी ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया, हमारे नबी ने मुर्दा को जिंदा किया, तुम्हारे नबी से बढ़कर के हमारा नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को जिंदा किया, मोहम्मद ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया, जो बात ईसा में है वो मोहम्मद में नहीं है, मोहम्मद से बढ़कर के ईसा है, कितना प्यारा जवाब दिया कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह। इंशाल्लाह बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, मदरसा नहीं भेजेंगे, आज रही इंशाल्लाह, समझ में आ रहा, कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया,
कि तुमने कहा कि हमारे नबी ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को जिंदा किया। मुर्दा किसको कहते हैं? रूह निकल गई। जिंदा किसको कहते हैं? रूह आ गई। मुर्दा किसको कहते हैं? रूह निकल गई। जिंदा किसको कहते हैं? रूह आ गई। यही काम तुम्हारे नबी ने किया, लेकिन हमारे नबी ने जो काम किया वो तुम्हारे नबी से नहीं हुआ। जिसके अंदर रूह नहीं थी, कम करीब से कलमा पढ़वा दिया। हस्बी रब्बी जल्ला माफी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का होवे। कितने उन पर सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। संत नबी वो जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मोही में है क्या। संत नबी वो जहल गया, आका से हो नबी बतलाओ जरा मेरी मोही में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कम कर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा नमूना ला रहा हूं। नबी की निशानी नबूवत की एक चीज बाकी है, कुरान, और दूसरी चीज क्या है वो मैं आपको सुनाना सोचा था। जैसे कुरान नबी की नबूवत की निशानी है, उसी तरह हमारा सच्चा ख्वाब नबी की नबूवत की निशानी है। एक आदमी रात में ख्वाब देख रहा है, मैं खाट पर बैठा हूँ, नीचे आग जल रही है। खाट पर बैठा हूँ, आग जल रही है। खाट पर बैठा हूँ, नीचे आग जल रही है। क्या मतलब हुआ? बताने वाले ने बताया, जल्दी से भागो, तुम्हारा घर गिरने वाला है। बताने वाले ने बताया, जमीन खोदो, सोना निकलेगा। पूछने वाले ने पूछा कि खाब देखा गया, खाट पर आदमी बैठा हुआ, नीचे आग जल रही है, आपने कहा घर गिरने वाला है, और आपने कहा दूसरे आदमी से कि जमीन खोदो सोना निकलेगा, क्या मतलब हुआ? अब वो जो आग थी वो गर्मी की थी, जिसके बारे में मैंने कहा कि जल्दी से घर से भागो, तुम्हारा घर गिरने वाला है। गर्मी की आग रहमत नहीं होती, मुसीबत होती। और मैंने जो इसको कहा कि आग जल रही है, इसका मतलब है कि जमीन खोदो सोना निकलेगा, वहां सोना निकला, ये ठंडी की आग थी, ठंडी की आग रहमत है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। नबी का उम्मती नमाज पढ़ा रहा है, नबी पीछे मुक्तदी है, क्या मतलब हुआ? ख्वाब देखा रात में, आदमी ख्वाब देख रहा है, नबी का उम्मती नमाज पढ़ा रहा है, पीछे नबी मुक्तदी है, क्या मतलब हुआ? जो नमाज पढ़ा रहा है उसका इंतकाल होगा, जनाजा उठेगा। तीसरे नमूने को जरा ध्यान रखिए, आदमी बकरा से लड़ गया, खस्सी से लड़ गया, उसने जो सींग मारी कुरान से खून निकलने लगा, इसका क्या मतलब हुआ? उसके रिश्तेदार में किसी लड़की का इंतकाल हुआ। चौथे नमूने को जरा ध्यान रखिए, बतख उड़ी है, बतख हंस उड़ी है, एक बस्ती से उड़ करके दूसरी बस्ती में आ गई, क्या मतलब हुआ? जिस बस्ती से उड़ी है वहां नौकरी मिलेगी, ये मतलब हुआ। आदमी अंडा ले रहा है, ऊपर वाला खा रहा है, नीचे वाला नहीं खा रहा। अंडा ले रहा है, ऊपर खा रहा है, नीचे नहीं खा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? कफन चोर है, कफन चोर है, कब्र खोदता है, कफन खींचता है, मुर्दे को छोड़ देता है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। इमाम मालिक ने मलकुल मौत को देखा ख्वाब में, ख्वाब में पूछा कि मेरी जिंदगी कितने दिन की बाकी है? क्या क्यों पूछ रहे हो? कहा मैं मदीने में मरना चाहता हूं, मक्का में, मदीने में मरना चाहता हूं, मक्के में नहीं। तो मलकुल मौत ने हाथ उठाया, उंगली पांच उंगली दिखा दिया, पांच उंगली मलकुल मौत ने दिखा दिया, ये घबरा गया। क्या मतलब हुआ? मतलब ये था कि मौत कब आएगी, किसकी, ये मलकुल मौत को भी पता था। पांच चीजों का इल्म इसको खुदा को है, मलकुल मौत को भी नहीं है ये आदमी कब मरेगा, वो आदमी कब मरेगा। इंशाल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी होगी, नबी की सुन्नत पर जिएंगे और मरेंगे, हाथ लगाइए इंशाल्लाह, अल्लाह यहाँ भी कामयाब कर देगा, वहां भी कामयाब कर देगा। ये कौन आज इंसान
निकामिल जमीन पर ये कौन आज इंसान निकामिल जमीन पर बस देश को तेरा मारा है बशारत रसूलों ने किया के जिसकी वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है। इंशाल्लाह दाढ़ी रखे के बुढ़ापे बात रही इंशाल्लाह दीदी से पूछ करके रखे बात रही इंशाल्लाह बायां हाथ से खाना चाह रहा है नबी का उम्मती। नबी ने कहा दायां हाथ से खाओ हमारी सुन्नत है तो किधर गया मेरी मर्जी है मैं दायां हाथ से नहीं खाता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आज के बाद तुम दायां हाथ से खा भी नहीं सकोगे हाथ में काम करना छोड़ दो। नबी रहमत बन करके अपने उम्मती को कमजोर क्यों कर दिया वो झूठ बोल रहा था कि मैं दायां हाथ से नहीं खा सकता था झूठ बोला। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ कर दी ताकि इस अजाब में मुब्तला हो जाए जहन्नम के अजाब से बचा। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा कद्दू आया है दस्तरखान पे इमाम अबू यूसुफ दबाडब खा रहे कद्दू आया है दस्तरखान पे दबाडब खा रहे शागिर्द ने पूछा कि ये कोरमा है पुलाव है जरदा है इतना मजे लेकर के खा रहे हो तो कद्दू है हमारे नबी को पसंद था इतनी घटिया सब्जी हमारे नबी ने पसंद कर लिया। तलवार निकाली तौबा करो हमारी नबी की पसंद में अगर ऐब लगाओगे सब कलम कर दो। तीसरे नमूने को जरा ध्यान रखिएगा बेटा बगल में है बाप ने कहा सर में बेटा तेल लगाओ हमारे नबी तेल लगाओ नहीं लगा दोबारा कहा बेटा सर में तेल लगाओ नहीं लगाया तीसरी बार कहा कि बेटा सर में तेल लगाओ बेटा कहता हमारे पीछे पड़ गए तेल है कि तेल है हमारे नबी की सुन्नत है लाठी लेकर के उठे तौबा करो वरना सर फोड़ दो। चौथे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला मक्का से मदीना आए और मदीना से अब मक्का जा रहे हैं तखने से ऊपर पाए जाओ। मक्का वाले ने कहा कि तखने से ऊपर पाए जाओ मक्के में थे तखने से नीचे पायजामा था मदीने से आ रहे हो तखने से ऊपर पाए जाओ। कहने लगे हमारे नबी की सुन्नत है आके पायजामा नीचे करो मक्के में थे तो तखने से नीचे पायजामा था पायजामा नीचे करो ये गिर डट गए चांद तो जा सकती है पायजामा नीचे नहीं आ सकता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक सहाबी थे हफ्सा के रहने वाले बाल बड़े कर रहे बाल उन्होंने देखा था कि नबी के सर मांग निकालते थे नबी अपने सर में मांग निकालते थे बीच के बाल दाई तरफ के बाल दाई तरफ बाई तरफ के बाल बाई तरफ बीच में मांग निकालते। अब हफ्सा के रहने वाले थे बाल बड़े कर रहे थे काले आदमी थे लंबे सोचा कि नबी के सर से अपना सर मिलाना चाहिए मांग निकालनी चाहिए आईना लेकर के बैठे कंघा कर रहे हैं मांग निकालने की कोशिश कर रहे पसीना छूट गया घंटों हो गए मांग नहीं निकल रही। बीवी ने कहा कि कौन से काम में पड़े मांग नहीं निकलेगी नबी के बाल सीधे थे इसलिए मांग निकलती थी तुम्हारे बाल कर रहे हैं मांग नहीं निकलेगी। वो कहते अब समझ में आया कि मांग कैसे निकलेगी लोहे की सलाख लिया चूल्हे में डाल दिया बिल्कुल जब सुर्ख हो गई टोपी हटा करके बीच में रख लिया ले अब कैसे मांग रही बाल भी जल गए खाल भी जल गई जख्म लग गया। तो बीवी ने कहा कितना अहमक आदमी है पहले मांग निकालने की मेहनत किया जब कामयाब नहीं हुआ तो जख्म लगा लिया। तो क्या कहते हैं आशिक कौन होता है ये नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जो नबी की सुन्नत पर चलता है नबी की सुन्नत को जिंदा करता वो आशिक होता। नमूना देने के लिए जा रहा तो क्या कहते हैं कि जब तक जख्म है तब तक गम है खुशी इस बात की है कि आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान हो हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद उसमें तुम हो नसारा तो तमतुम में हनो ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माया
बच्चों के हवाले से ला रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बच्चों के हवाले से मैं आपको खूबसूरत मुताला देने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। इल्म में और अमल में बड़ा कौन है? इल्म में और माल में बड़ा कौन है? इल्म में और हुस्न में बड़ा कौन है? इल्म में और तलवार में ज्यादा ताकतवर कौन है? ये नमूना लेकर के आ रहा हूं, जल्दी से निकाल लो। ध्यान से सुनिए, इल्म में अमल में बड़ा कौन है? इल्म है या माल है? अमल है। ये नमूना देने के लिए जा, जब आदमी जिंदा रहता है अमल करता है, आदमी मर जाता है उसका अमल खत्म हो जाता है। आदमी जिंदा रहता है इल्म सीखता है, आदमी मर जाता है उसका इल्म बाकी रहता है। आदमी के मरते ही अमल उठ जाता है, आदमी के मरते ही इल्म बाकी रहता है। कभी कभी इल्म अमल से बड़ा हुआ। दूसरे नमूने को जरा ध्यान रखिएगा, इल्म बड़ा है या माल बड़ा है? इस नमूने को ला रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जब आदमी के पास माल आता है, इधर ध्यान दीजिए भाई, इधर मसलत कीजिए, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा, जलसा बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं जलसा खत्म हो रहा है। ध्यान से सुनिए, जब आदमी के पास माल आता है तो वो सर उठाता है, तकब्बुर करता है। जब आदमी के पास इल्म आता है तो वो सर झुकाता है, अदब करता है, अदब से अल्लाह सर बुलंद करता है और तकब्बुर से अल्लाह जलील कर देता है। जब माल आता है तो आदमी से हसद करने वाले बढ़ते हैं, जब इल्म आता है तो आदमी से मोहब्बत करने वाले बढ़ते हैं। माल दुश्मनी को बढ़ाता है, नफरत को बढ़ाता है, इल्म मोहब्बत को बढ़ाता है। तीसरे नमूने को जरा ध्यान रखिएगा, जब माल आता है वक्त गुजरता है तो उसकी कीमत घट जाती है, जब इल्म आता है वक्त गुजरता है तो कीमत बढ़ जाती है। इल्म कीमत को बढ़ाता है, माल कीमत को घटाता है। चौथे नमूने को जरा ध्यान रखिएगा, जब माल आता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, ताला लगाना पड़ता है, पहरा लगाना पड़ता है। माल आ रहा है उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, ताला लगाना पड़ता है, चौकीदार करना पड़ता है। जब इल्म आता है इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। चौथे नमूने को जरा ध्यान रखिएगा, जब आदमी इल्म उसके पास आता है तो क्या इंकलाब आता है? माल आता है, क्या इंकलाब आता है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपकी जेब में पैसा है, ज्यादा से ज्यादा आप किताब खरीद सकते हो, इससे ज्यादा आपकी जेब में पैसा है, किताब खरीद सकते, इल्म नहीं। लेकिन जब आदमी के पास इल्म आता है तो माल कदमों के नीचे आ जाता है। इंशाल्लाह भूखे रहेंगे, अपने बच्चे को सफल बांध करके पढ़ाएंगे, खुद जाहिल रहे लेकिन अपने बच्चे को जाहिल रहने नहीं देंगे। आज रात इंशाल्लाह।